हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रेम। आज आपका भाई एक नया वीडियो के साथ आ गया है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रिक स्कूटर जो आप यूज़ करते हैं उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम आता है, जैसे कि चार्जिंग प्रॉब्लम। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं चार्जिंग का जो प्रॉब्लम है घर में कैसे सॉल्यूशन उसका कर सकते हैं, क्योंकि सर्विस सेंटर आपके घर से बहुत दूर होता है, वहाँ तक लाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता होगा। तो घर में कैसे प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन करेंगे उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं चार्जिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहला जो प्रॉब्लम आता है किसी किसी का, जो घर होता है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर में होता है, तो उनको चार्ज करने में दिक्कत होता है। तो चार्जिंग वो कैसे करेंगे, तो ये जो बैटरीज देता है हीरो ऑप्टिमा CXER, ये जो हीरो इलेक्ट्रिक का जो गाड़ी है, ये जो बैटरीज देता है गाड़ी में वो सब रिमूवेबल होता है, तो इसको आप निकाल के घर में भी चार्ज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो ये आपको क्या करना है, पहले तो आपको बैटरी डिस्कनेक्ट करने से पहले आपको MCB ऑफ कर देना है। यहाँ पे जो MCB दिया है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये MCB है, ये MCB आपको ऑफ कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पे ऑफ का ये सिग्नल आ जाएगा, इसे ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है, ये CXER में डुअल बैटरी होता है, B1 B2। ये हो गया आपका B2, नीचे ये B1 हो गया। तो क्या करना है आपको, अगर आपका B1 बैटरी चार्ज खत्म हो गया है तो B1 बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है। पहले MCB में ऑफ कर दिया, उसके बाद आपको ये जो डिस्कनेक्ट पॉइंट दिया है इसको आपको केयरफुली यहाँ से डिस्कनेक्ट करना है। देखिए डिस्कनेक्ट हो गया, ऐसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर आपको ये बैटरी को उठा लेना है, 10-12 kg का वेट आ जाएगा। उठा के आपको घर में जाके यहाँ पे आप बैटरी में चार्ज कर सकते हैं। बैटरी में आपको चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे दिया है, ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। तो घर में जाके आपको नॉर्मली जैसे कि आप चार्ज करते हैं, यहाँ पे चार्जर आपको दिया गया है, यहाँ पे आप कनेक्ट करके इसको चार्ज कर सकते हैं घर में। कोशिश कीजिए कि बेडरूम में चार्ज ना लगाएं, जैसे कि कोई स्पेस बाहर में स्पेस जो वहाँ पे, कि या फिर डाइनिंग में आप चार्ज लगा लीजिए, ऐसे चार्ज कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आपका B1 बैटरी के लिए भी है, B2 बैटरी के लिए, इसको भी आप सेम प्रोसेस में डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे जैसे ही आपको ये डिस्कनेक्ट किए, ये आप यहाँ से तो इसके बाद आपको क्या करना है, बैटरी चार्ज फुल हो गया, इसको आपको लगा देना है। जैसे कि आप इसको निकाले थे, MCB ऑफ रहना है, MCB ऑफ, ये हमेशा चेक कीजिए MCB ऑफ होना चाहिए जब आप डिस्कनेक्ट करेंगे या फिर कनेक्ट करेंगे। तो इसको ऐसे नॉर्मली कनेक्ट कर दीजिए, फिर आपका MCB ऑन कर दीजिए। ये एक प्रोसेस हो गया, और ये आपका CXER हो गया डुअल बैटरी। तो सिंगल बैटरी में कैसे करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिंगल बैटरी में भी सेम है, तो इसका भी MCB आपको ऑफ कर देना है, ऐसे MCB ऑफ कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको डिस्कनेक्ट कर देना है, डिस्कनेक्ट करके इसको निकाल के चार्ज लगा सकते हैं। नॉर्मली जो प्रोसेस है सेम प्रोसेस, और MCB ऑफ करके इसको कनेक्ट करना है। तो दोस्तों सेकेंड प्रॉब्लम क्या आता है, ये सॉकेट में, ये होता है फीमेल सॉकेट, चार्जिंग सॉकेट जो कि गाड़ी में लगा हुआ होता है। यहाँ पे देखिए, ये देख सकते हैं, यहाँ पे फीमेल सॉकेट लगा हुआ है। सेकंड प्रॉब्लम इसमें आता है, इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, इसमें जो प्रॉब्लम आता है आपका, ये आपका जो फीमेल सॉकेट है मेल्ट होता है या फिर कार्बन होता है। ये आपका ओवरहीटिंग के लिए, ओवर चार्जिंग के लिए या फिर करंट फ्लक्चुएट के लिए, ये सब रीजन होता है ये मेल्ट होने के लिए। मेल्ट हो जाता है तो यहाँ पर चार्ज आप नहीं लगा सकते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसका कुछ भी सोल्यूशन नहीं है, इसको आपको चेंज करना है। आप नियरेस्ट आपका डीलर जो भी है हीरो इलेक्ट्रिक का, आप वहाँ से जाके इसको चेंज करा सकते हैं। नया आपको सॉकेट मिल जाएगा, ऐसा नया सॉकेट आपको मिल जाएगा वहाँ पे। अगर ये सॉकेट आपको चाहिए कि ओडिशा अंगुल में, ये पार्वती ऑटोमोबाइल से यहाँ पे आप आके परचेस कर सकते हैं। 450 रुपये का ये आता है सॉकेट, ये आप आके ले सकते हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम क्या आता है, थर्ड प्रॉब्लम आता है चार्जर में क्या प्रॉब्लम आता है, जैसे कि आपका चार्जर में कोई प्रॉब्लम हो, चार्जर नहीं ले रहा है, तो जब भी आप कनेक्ट करेंगे आपका सॉकेट में, तो ऐसे ही ग्रीन सिग्नल स्टार्टिंग से ही दिखा देगा। जैसे कि ब्लिंक करता है चार्ज होने का टाइम, तो पहले से ही स्टार्टिंग से आपको ग्रीन सिग्नल दिखा देगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होने से ऐसे दिखाता है, ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ अभी। अगर आपका चार्जर पॉइंट कभी कभी ये ओवरहीटिंग के वजह से या फिर इसको ज़ोर से खींच देने के वजह से ये सॉकेट का सोल्डिंग यहाँ से टूट जाता है। यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये चार्जर का भी सोल्डिंग टूटा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे ही सोल्डिंग ये टूट जाएगा यहाँ से। तो एक सोल्डिंग यहाँ से छूट जाने से ये चार्ज नहीं लेगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं,
ये आपका नॉर्मली सॉल्यूशन है इसका, जाके आप अगर यहाँ का ये ठीक ठाक है तो ये सोल्डिंग आप दोबारा से लगा सकते हैं। अगर ये टूट गया है तो आपको नया सॉकेट लगाना पड़ेगा, या फिर आपका चार्जर का एक साल नहीं हुआ है तो आप इसको जाके नियरेस्ट आपका डीलर जो भी है वहाँ से आप वारंटी इसको क्लेम करा सकते हैं। तो इसको सॉकेट कैसे आपको मिलता है, ऐसा सॉकेट आपको नया मिल जाएगा। ये सॉकेट आप परचेस करके, आप नियरेस्ट कहीं डीलर से परचेस करके ये आप लगा सकते हैं यहाँ पे, या फिर ये अगर सोल्डिंग आपका टूटा है यहाँ पे, ये जो टूटा नहीं होगा तो यहाँ पे आप सोल्डिंग दोबारा से लगा सकते हैं। अगर आपका मतलब सोल्डिंग भी ठीक है, चार्ज नहीं ले रहा है, ग्रीन सिग्नल ऐसे ही आता है तो चार्जर का इशू हो सकता है। तो अगर आपका चार्जर का एक साल नहीं हुआ होगा, चार्जर का एक साल का वारंटी देता है कंपनी, अगर एक साल नहीं हुआ है चार्जर को, जल्दी से आप नियरेस्ट डीलर को आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, वहाँ से आपको चार्जर रिप्लेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा अगर एक साल नहीं हुआ है तो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ, टेक केयर, जय हिंद।